फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इस महीने के अंत तक इंडिया के पास टोटल 24 यानी कि 24 रफाल फाइटर जेट पहुंच जाएंगे और बाकी 7 जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रांस में रहेंगे ट्रेनिंग के लिए और फिर खाली 5 और देने होंगे दोनों स्क्वाडन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो 4 और रफाल हैं वो भारत पहुंच सकते हैं 19 या फिर 20 मई को, जो कि डिपेंड करेगा यूएई के टैंकर्स पे कि वो कब अवेलेबल मिलते हैं। तो दूसरा जो स्क्वाडन है हम सबको पता है वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस में बनाया जाएगा और इस स्क्वाडन का नाम होगा नंबर 101 स्क्वाडन, जिसको फैल्कन्स ऑफ चाम भी कहा जाता है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने स्क्वाडन्स में से एक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, फिर 1949 से 1957 यानी कि 7 साल के समय तक इस स्क्वाडन से हार्वर्ड और स्पिटफायर जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट किए गए थे। उसके बाद इस स्क्वाडन को फिर से अपग्रेड किया गया वैम्पायर से और 1957 से लेकर 1968 यानी कि करीबन 11 साल तक वैम्पायर यूज़ किए गए। फिर यहाँ पर इसके बाद सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को ऐड किया गया, जिसको 1968 से लेकर 1981 यानी करीबन 12 साल तक SU-7 जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट किए गए। तो यहाँ से जो SU-7 BMK और SU-7U एयरक्राफ्ट हैं उनको यूज़ किया जाता था। फिर लास्टली सबसे लंबे समय के लिए यहाँ से MiG-21M को यूज़ किया जाता था, जो कि 1981 से 2011 तक यूज़ किए गए यानी कि करीबन 29 साल तक। उसके बाद ये जो स्क्वाडन है वो 2021 में यानी कि करीबन 10 साल बाद 100 रफाल के साथ ऑपरेशनल होगा। तो इस स्क्वाडन की जो जर्नी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। ज़्यादातर ये जो स्क्वाडन है वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में रहा है। बाकी इसको जब फॉर्म किया गया था तो ये पालम एयरफोर्स स्टेशन में था। उसके बाद 1981 से 2002 तक जो MiG-21 ऑपरेट किए गए वो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट किए गए। फिर से 2002 से 2011 तक इसे आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया और फाइनली अब ये हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में है। तो जब इस स्क्वाडन को फॉर्म किया गया था तो इसका जो मेन रोल था वो फोटो रिकॉग्निशंस का था। अभी समय के साथ इसके जो रोल्स हैं वो चेंज हो गए और फाइनली इस स्क्वाडन से रफाल को ऑपरेट किया जाएगा, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पे इंडक्ट होने से पहले जो बेस है उसको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल जो है वो पोस्ट किया था अपनी वेबसाइट पे, जो कि अभी भी वहाँ पर है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो हासीमारा का जो रनवे है उसको एक्सटेंड किया गया है, एमिनेशन डिपो को बनाया गया है, ब्लास्ट पेंस को बनाया गया है, पर्सनल एकोमोडेशन को चेंज किया गया है और बेटर मेंटेनेंस बे वगैरह को इंस्टॉल किया गया है। इसके बारे में और डिटेल में आप जाकर हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो पूरे 36 के 36 रफाल जो हैं वो अप्रैल 2022 तक इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे और जहां तक आसार लगते हैं इसके बाद फॉलो अप ऑर्डर जो है वो दिया जा सकता है। तो डेसो की साइड से भी पूरी कोशिश करी जा रही है और जो ऑफर है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्रांस की तरफ से जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी इंडिया में करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि फ्रांस ने जॉइंट डेवलपमेंट को ऑफर किया है हाईली एजाइल एंड मैनुवरेबल म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज यानी कि हैमर के। तो ये जो मिसाइल है ये करीबन 70 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है और इसके 1000 किलोग्राम वाले वर्जन की जो टेस्टिंग है वो भी कुछ दिन पहले ही करी गई है। साथ में जो सेकेंड बैच के रफाल होंगे वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं इजिप्ट की डील में। तो जो सेकेंड स्क्वाडन बन रहा है रफाल का हासीमारा में, तो ऐसा नहीं है कि वो स्क्वाडन हमेशा हासीमारा में ही रहेगा, एमरजेंसी के टाइम पर ये स्क्वाडन कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता होगा और ये इंडियन एयरफोर्स के किसी भी स्क्वाडन के लिए फिट बैठता है। लेकिन पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट को चूज़ किया गया है चाइना को दिमाग में रखते हुए। तो हासीमारा से जो सिक्किम है वो बिल्कुल बगल में है और जो चिकन नेक है वो भी उसी एरिया में है। तो ये एरिया काफ़ी क्रिटिकल है इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली और सिक्किम की साइड से चीन द्वारा भी काफ़ी दबाव बनाया जाता है। तो रफाल के वहाँ पर होने से चीन की तरफ एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि चाइना के पास रफाल के मुकाबले या फिर उसकी कैपेबिलिटी को मैच करता हुआ कोई भी एयरक्राफ्ट अभी अवेलेबल नहीं है। साथ में रफाल के जो ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो हासीमारा में होने का मतलब ये है कि वो अरुणाचल साइड भी कवर कर सकता है, क्योंकि जो रफाल है उसकी रेंज अच्छी खासी है। बाकी अरुणाचल की साइड में Su-30 MKI तो है ही। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।